नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसे देवभूमि भी कहा जाता है और वीर भूमि भी, क्योंकि उत्तराखंड की मिट्टी वीर बहादुर और वीर जवानों को जन्म देती है। तो वहीं अब राज्य को एक और सौगात मिलने वाली है। राज्य को जल्द ही दो और सैनिक स्कूल मिलने वाले हैं। कुमाऊं और गढ़वाल में एक एक सैनिक स्कूल खुलेगा। कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर और गढ़वाल मंडल के देहरादून में सैनिक स्कूल खुलेंगे। इन प्रस्तावों पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में मोहर लगी है। अभी उत्तराखंड में केवल एक ही सैनिक स्कूल है जो कि कुमाऊं मंडल के घोड़ाखाल में है। वहीं शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और रुद्रपुर में एएन जॉइंट कॉलेज को सैनिक स्कूल के रूप में चलाने का प्रस्ताव रखा है, जिसको केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। बंशीधर तिवारी के अनुसार केंद्र सरकार ने पूरे देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने का फैसला लिया है। राज्य को इसके लिए मानक पूरे करने वाले स्कूलों का प्रस्ताव मांगे गए थे। इसके तहत उत्तराखंड में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून और इंटर कॉलेज रुद्रपुर सैनिक स्कूलों के सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं। प्रस्ताव भेजे जाने के केंद्र की टीम संबंधित स्कूलों का निरीक्षण करेगी। जहां एक तरफ राज्य को दो सैनिक स्कूल मिलने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर एक खबर पिथौरागढ़ से सामने आ रही है, जहां एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वो फर्जी प्रमाण पत्र के बल पर अग्निवीर बनने का सपना देख रहा था। पिथौरागढ़ में सेना के मैदान में अग्निवीरों की भर्ती चल रही थी। इसी दौरान दस्तावेजों की जब जांच की गई तो अधिकारियों ने एक युवक के दस्तावेज फर्जी पाए। इसकी सूचना तुरंत सेना ने पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाल मंगल सिंह मौके पर पहुंचे और युवक को लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका नाम सचिन कुशवाहा है। वो यूपी के बागपत का रहने वाला है। उसकी उम्र तय सीमा से ज्यादा हो गई थी। वो सेना में भर्ती होना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वहीं पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।